हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 6 अध्याय 6 टिश्यूज़ या उत्तक, और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों व्हाट यू हैव लर्न्ड, यानी आपने क्या सीखा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने, टिश्यूज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी उत्तक संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह है। फिर क्या देखा बच्चों हमने, प्लांट टिश्यू आर टू मेन टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, यानी पादप उत्तक दो मुख्य प्रकार के होते हैं, वजत्य और स्थायी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक पौधों के बढ़ते क्षेत्रों में मौजूद उत्तकों में से होते हैं बच्चों। फिर परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, डिराइव्ड करे जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वंस दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, यानी दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी एक बार जब विभाजित उत्तक विभाजन की क्षमता को खो जाते हैं तो वह क्या होते हैं, जटिल उत्तकों में वर्गीकृत, सरल और जटिल उत्तकों में वर्गीकृत कर दिए जाते हैं बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा तीन टाइप के सिंपल टिश्यू होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। फिर बात कर लेते हैं बच्चों एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू होते हैं आपके, यानी जंतु को उत्तकों में एपिथेलियम, संयोजी, मांसपेशी और तंत्रिका उत्तक होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ एंड फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड एज स्क्वैमशर, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, यानी आकार के कार्य के आधार पर एपिथेलियम उत्तक को स्क्वैमश, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है बच्चों। फिर क्या बताओ बच्चों, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड एरुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगमेंट, कार्टिलेज एंड बोन, यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संयोजी उत्तक में एरुलर उत्तक, वसा उत्तक, हड्डी, कंडरा, स्नायु बंधन, उपास्थि और रक्त शामिल होते हैं बच्चों। स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज, यानी धारीदार, आरेखित और हृदय, तीन प्रकार की मांसपेशी हमारे उत्तकों में मिलती है बच्चों। और आखिरी चीज़ क्या है बच्चों, नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सिस, यानी तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन्स में बने होते हैं और आवेगों को प्राप्त और संचालित करते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये सब चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी, और आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है बच्चों। आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।